आम आदमी पार्टी के बड़े नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। बुधवार को दिन भर की छापेमारी के बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया है। संजय सिंह की गिरफ्तारी को आम आदमी पार्टी और इसके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के लिए एक बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। संजय सिंह की गिरफ्तारी से पार्टी को कई मोर्चों पर नुकसान झेलना पड़ सकता है। अन्ना आंदोलन के वक्त से ही संजय सिंह अरविंद केजरीवाल के सबसे करीबी नेताओं में शामिल रहे। केजरीवाल के साथ दो चेहरे जो हर वक्त सबसे ज्यादा मजबूती के साथ खड़े रहे, उनमें मनीष सिसोदिया के बाद दूसरा नाम संजय सिंह का ही है। और यही वजह है कि सिसोदिया को केजरीवाल का दायां हाथ कहा जाता है तो संजय को बायां हाथ। संजय सिंह का कद आम आदमी पार्टी में बहुत बड़ा है। केजरीवाल और सिसोदिया के बाद संजय सिंह ही वह व्यक्ति है जिनकी पकड़ पार्टी के सबसे बड़े नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं तक पर है। पार्टी को भी सभी अहम रणनीति और विस्तार की योजनाओं में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। संजय सिंह राज्यसभा से सांसद हैं और सड़क से संसद तक पार्टी की आवाज को मजबूती से रखते हैं। संजय सिंह पिछले काफी वक्त से आम आदमी पार्टी की नींव उत्तर प्रदेश में मजबूत करने में जुटे थे। विधानसभा चुनाव में भले ही आम आदमी पार्टी अपनी छाप नहीं छोड़ पाई, लेकिन निकाय चुनाव में पार्टी ने अपनी मौजूदगी दर्ज जरूर करवाई। आम आदमी पार्टी 2024 लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के नेतृत्व वाली इंडिया गठबंधन में शामिल है। वो आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन के बीच महत्वपूर्ण कड़ी है। संजय सिंह ने आपको दूसरे दलों के करीब लाने में एक अहम भूमिका निभाई। अब उनके जेल जाने से विपक्षी गठबंधन के साथ समन्वय के काम को बोझ राघव चड्ढा जैसे दूसरे नेताओं पर बढ़ेगा। संजय सिंह की गिरफ्तारी से पहले आम आदमी पार्टी के दो बड़े नेता कानूनी शिकंजे में घिरे हैं। संजय सिंह से पहले शराब घोटाले में ही मनीष सिसोदिया को जेल जाना पड़ा, तो दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को भी एक मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल जाना पड़ा। ऐसे पार्टी की साख को भी झटका लगा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए।